ये हमारा कल का एग्जांपल था राइट, तो हमें ये जेड मिला था. सो आई विल गो टू जी स्कोर टेबल. सो दिस थिंग इज क्लियर राइट, ये वाला चीज तो क्लियर है कि माइनस 4.67 से मुझे अगर कम चाहिए तो आई मीन वन सेकेंड. ठीक है, ऑपोजिट भी ट्रू है वैसे, मतलब अगर ज्यादा चाहिए तो उससे कम होगा, लेकिन आई विल बी मोर स्पेसिफिक राइट नाउ. अगर मुझे माइनस 4.67 से, ठीक है, वैल्यूज अगर मुझे कम चाहिए, सो आई नीड टू चेक फॉर द जी स्कोर ऑफ 4.67 लेस देन, ठीक है, इससे ज्यादा, इससे बड़ा मुझे मिलना चाहिए बस. अगर मुझे इससे कम चाहिए तो ये इससे ज्यादा वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है. In order to remove that negative sign, you need to do some changes like this, ठीक है? क्योंकि z score में आपको negative values नहीं मिलने वाले. So let me go to the z table. So z table में मुझे negative values तो नहीं मिल रहा है ना. So here 4.67. अभी मुझे 4.67 चाहिए. So where is 4.67? 4 and 0.67. ऐसा कुछ है क्या यहाँ जहाँ मेरे को z score मिला है ना, यहाँ मेरे को actually I got the capital z score, right? So now if I go on searching for the 4.67, I'm not getting it. So what is the maximum value that I can go with? The maximum value I can go with is 3.09, that is 0.9990. Okay. So now I'll put an assumption that ki yehi mera pass maximum value available hai, kyunki z score mein nahi available hota hai. Matlab maximum bahut sare z score table mein to itne bade bade values available nahi hote hain. क्योंकि इतने बड़े बड़े वैल्यूज हम यूज ही नहीं करते हैं एक्चुअली, मतलब मोर देन थ्री वेरी रेयरली जाता है, बहुत रेयरली जाता है. लाइक इफ इट इज अ वेरी काइंड ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा है, जैसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, देन इट मे गो फॉर मोर देन थ्री, नहीं तो उतना थ्री में नहीं जाता. सो विल बी कंसिडरिंग इट 4.67 एज इसको ये वैल्यू के आसपास समझते हैं कि मतलब 4.67 शुड लाई ओवर हियर. अभी 4.67 कहां प्राप्त होगा, यहाँ अगर यहाँ समझो अगर ये 4 है, then 4. ये समझो ये 4.6 है and it should go over here, so this would be 4.67, but actually this is the maximum value we have right now in our table. इसके ऊपर हमारे पास नहीं है, so we'll be going with this value. Okay, so what will be our p value now? I'll write it over here. P, okay, my p value would be equal to 1 minus this value. Okay, that will be 0.001. Okay. But for here, we have to consider one thing that every time p value is having three zeros after its decimal. So we have to consider that this is 0.9999. Okay. So this should be 0.9999. Okay. So if I do this, so I am getting 0.0001. This is my p value for 4.67. Okay. Abhi isse अगर रिजेक्टिंग का अगर आप क्राइटेरिया देखते हो, रिजेक्टिंग क्राइटेरिया, पी वैल्यू शुड बी लेस देन अल्फा. ओके, दैट मींस पी वैल्यू शुड बी लेस देन अल्फा. तो अल्फा से अगर कम है तो ही आप रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं रिजेक्ट कर सकते. सो हाउ, दिस इज अ शॉर्टकट, हाँ, मतलब पी वैल्यू से हम एक शॉर्टकट कर सकते हैं. सो दिस पी वैल्यू 0.00001. ओके, 0.0001. सो ओवर हियर इफ यू चेक, हमारा पी वैल्यू कितना था, पी वैल्यू इज 0.0001. ओके, सो इफ यू चेक, हमारा जी स्कोर 1.64, पी वैल्यू 1.64 से छोटा है, सो वी कैन रिजेक्ट दिस 1.64. एंड व्हाट इज 1.64 जी स्कोर, वो हमें अल्फा 10% पे मिला था 1.64. ये कल का एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज नोट. ओके, सो पी वैल्यू 0.0001, ये 1.64 था, ये 0.1 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने देखा था. दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, ये समझो कि स्मॉलेस्ट अल्फा पॉसिबल टू रिजेक्ट. ओके, अगर जी स्कोर इससे छोटा जाता है देन वी कैन एक्सेप्ट. जैसे आपके दोस्त ने आके बोला था ना कि मतलब एवरेज डेटा साइंटिस्ट का सैलरी $113,000 है, तो उसको एक्सेप्ट करने का कितना चांस है वो हम अभी देखेंगे. विल बी डूइंग अनदर प्रैक्टिकल टेस्ट, कोई और एग्जांपल लेकर के देखते हैं. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि पी वैल्यू क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है. दिस इज वन साइडेड टेस्ट, टू साइडेड टेस्ट. ओके, आई विल ओपन दैट एक्सेल फर्स्ट. ओके,
Just a second. This is an online p-value calculator. If you want to use, you can use it. ये आपके लिए लिंक डाला है. I'll be pasting it in chat box. I'll use it and show you. Okay? मैं आपको use करके दिखाता हूँ कि how p-value actually works. So you just click on that link. You'll find a website. Over there, you'll find p-value. Hypothesis testing में p-value करके लिखा होगा. So you can go over there and we can check it. I'll just erase this screen. There's not a drawing. Okay. So now where was I? Yeah, my table is here. Okay, so now it is asking ki aap samjho ki email spying example. It's a thoda achha naam diya, interesting hai. Spy karna kind of thing. We actually see lot of movies jisme spying hota hai, na? So I have taken such kind of examples. So you just see test for mean. Okay, population variance unknown. Yahan population variance unknown hai. Okay, so what we'll be using over here? What kind of table we'll be using over here? Anyone can unmute and say population variance unknown hai. To hum kaun sa table use karenge? Kaun sa statistics use karenge? Perfect. So the thing is t-score. So now it is asking for 5% significance. So mera alpha kitna hoga? Alpha will be 0.05. okay, so t-score ka formula yaad hai kisi ko? Like t-score, how to calculate that t-score. But before calculating that t-score, humne ye wale example mein sabse pehle humne capital Z calculate kiya tha, right? Remember that we calculated the capital Z. Okay, so here also we'll be calculating capital Z. For that we need a mean, a capital T. Yahan hum capital T use karenge. Okay, we need a mean. So here the average would be of all these numbers, that is my 38%. Okay, so our sample mean is 38%, and now we need to calculate standard deviation. So how do we calculate standard deviation? Standard deviation of sample. Okay, so I'll put this over here. It comes to 0.13736. So instead of putting percent, ठीक है, यहाँ परसेंट के बदले हमें एक ऐसा कॉलम बनाना है, क्योंकि परसेंट से क्या होता है, ये डिवाइड बाय 100 हो जाता है, हर एक चीज डिवाइड बाय 100 हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद परसेंटेज, विल बी गोइंग विद दिस. सीधा हम इसको वैल्यूज डाल देते हैं. ओके, 23, 42, 49, 59, 57, sorry, 2 by 29, 29, 57, 40. Okay. So now I'll calculate the mean again. Equals average of all these numbers. Okay. So I get 37.7. Okay. So if I go for ये round off हो जाता है, यहाँ percentage है ना, इसलिए round off हो गया था. Standard deviation. So what will be my standard deviation? Standard deviation of sample. So standard deviation of sample कितना आ गया? 13.736. Okay. So now I want to calculate standard error. So I'll just put SE, standard error. Yes. So the standard deviation by root n. So this divided by the number of values. So before that I need to calculate count. So my number of sample would be, my number of sample would be 10. Okay, so now my standard deviation, the standard error would be equal to this divided by this root.
So that is 4.34. Okay. So this is my standard error. Okay. So my null hypothesis. इसमें null hypothesis क्या होगा? Is the competitor open rate is exactly 40%. Okay. इसमें कैसा है? Email spying example है. कि मतलब आपके पास एक कंपनी है, समझो यू आर हैविंग फ्लिपकार्ट और आपका कॉम्पिटिटर है अमेजोन. ठीक है, अमेजोन मेल भेजता है ना काइंड ऑफ कि ये आपका इनवॉइस है, ये प्रोडक्ट्स हैं अभी अभी सेल के लिए वगैरह वगैरह. सो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे देखते हो कि अमेजोन के पास क्या क्या कैसा ईमेल ओपनिंग रेट है, तो आपके कंपनी के एनालिटिक्स ने बोला है कि उसका 40%. सो दैट इज योर नल हाइपोथेसिस. So your null hypothesis would be, क्योंकि आपको पता नहीं है तो you should accept it, right? That is the condition, हमने पहले भी बोला था कि if you don't know, you have to simply accept it, okay? This is 40%, okay? Null hypothesis हमारा 40% है. So now we have to calculate the capital T score. So the capital T score is similar to that of Z score, ठीक है? उसमें कैसे करते हैं? Like this equals to my this mean, okay, minus 40, because that is my null hypothesis mean. ठीक है, ये मेरा null hypothesis है. I'll show you the formula again, okay, divided by this standard error. So it is coming around 28.49. No, wait a minute. It should come in negative, right? This mean minus 40. I'll just gonna close the bracket. Divided by standard error. So it is coming minus 0.5295. That is my t score. How did I get this formula? Same formula lagaya tha. क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने? टी स्कोर इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी वन सेकंड, व्हाट फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड, आई जस्ट टेल यू, दिस टी स्कोर इक्वल्स टू, ओके, दिस एक्स बार मींस सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट, म्यू नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस मीन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, अपॉन स्टैंडर्ड एरर. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू, जैसे मैम ने बोला था, स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू सिग्मा बाय रूट एन. ओके, सिग्मा बाय रूट एन. ओके, so this is my t score. Okay, so how do I check the t score? Abhi ye 0 point minus of 0.5295 hai. So if you go and see in the t table mein minus 0.95 to hai hi nahi kahin, right? Just a second, scroll karna. So even if you scroll down and see, there is nothing minus mein to hai hi nahi. Okay, so how do you do with that kind of issues? ठीक है, so what you do is, हमारे पास तो capital T score already है, so we don't have to worry about this thing right now. Okay, what we have to worry about actually is, इसमें क्या बोला है, test at 5% significance. So my alpha is 0.05. Okay, so what would be my alpha by 2? My alpha by 2 will be equal to this divided by 2. Okay, that will be 0.025. Okay, so ये alpha value, यहां मुझे देखना है अभी मेरा degree of freedom क्या है. Degree of, no, I'll just put it be your, degree of freedom कितना है यहां? Equals to number of samples minus 1, that is 9. तो मुझे अभी t score में जाना है, 0.025 में 9 था ना, so 2.262. okay, my value is 2.262. t, small t score ki baat kar raha hu, that is 2.262. okay,
दैट इज माय दिस टेबल। तो अभी टी स्कोर का जो वैल्यू था, हमने जो रेंज का फाइंड किया था, वो वैल्यू किसी को याद है क्या? हाउ डिड वी कैलकुलेट दैट वैल्यू? सो द सेम फॉर्मूला इज देयर, बट यहाँ ये टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, ओके okay? ये टी स्कोर का वैल्यू आ जाएगा, सो विल बी कैलकुलेटिंग दैट, ओके। बट हियर व्हाट द थिंग इज एक्चुअली आस्किंग इज टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस, कमेंट ऑन द डिसीजन विद द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स। सो नाउ आपको देखना है कि ये इसका पी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो यू जस्ट विजिट दैट साइट, और हम वो साइट को विजिट करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट द पी वैल्यू, ओके हम अभी इसका पी वैल्यू देखते हैं। सो वेयर डिड आई पेस्ट द लिंक, ये चैट में लिंक डाला है, प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। यस, सो दिस इज द पी वैल्यू कैलकुलेटर ओवर हियर। सो दैट इज पी वैल्यू फ्रॉम टी स्कोर, अभी हमारा टी स्कोर चल रहा है। सो माय टी स्कोर, व्हाट इज माय टी स्कोर, टी टेबल इज 2. No, not this t-score actually. Let's start talking about this t-score, 2.262. 2.262, okay. DF. This is my DF. DF is 9, right? And then what is my significance level? Alpha. Alpha kitna hai? 0.05. So it is correct. So, ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है? ये टू टेल्ड है, देखते हैं कैलकुलेट। सो इट विल गेट रिजेक्टेड, द पी वैल्यू इज 0.050013, ओके। पी वैल्यू हमें मिल गया 0.050013, बट आर टी स्कोर इज 2.262, ओके। सो नाउ इट विल बी रिजेक्टिंग इट, ओके। बट अल्टीमेटली ये वाला जो 2.262 है, that is capital T score पूछ रहा है ना, it's not asking small T score. We'll go for capital T score. We have to mention it in positive, so 0.5295. To go with 0.5295. Okay, now if I calculate, does it still reject? Yes, it is rejecting. The p-value is 0.609. So if you see 0.609, हमारा p-value आ रहा है. Our p-value is 0.609, ओके। तो ये 0.609 है, ये इससे छोटा है। यू कैन, व्हेन यू कैन रिजेक्ट इट, जब आपका क्या बोलते हैं, पी वैल्यू लेस देन दी अल्फा वैल्यू। सो इस माय 0.609 लेस देन 0.005, नो, इट इज नॉट 0.05 एंड इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड नाउ। बट इफ आई चेक विद द कैपिटल टी स्कोर, इट इज गेटिंग रिजेक्टेड। तो ये कैपिटल टी स्कोर से मेरा ये रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन नाउ आई हैव टू गो विद द स्मॉल टी स्कोर, ओके। नाउ दिस इज विद कैपिटल टी स्कोर, ओके, दिस इज विद कैपिटल टी स्कोर। अभी हम स्मॉल टी स्कोर का भी करते हैं। नाउ व्हाट विल बी माय पी वैल्यू विद द स्मॉल टी स्कोर, ओके। So, one second, where it is, yeah. So, what is my small t score? 2.262. So, still it is getting rejected. Ye red color mein aa raha hai, matlab reject hi ho raha hai. P value is 0.05. So, 0.05. Okay. So you can reject it. When can you reject it? इसमें क्या लिखा है? P value is less than alpha. Okay. So इस केस में आपको जो P value मिला है, here it is. हाँ. ये इस केस में आपको जो P value मिला है, it should be less than whatever you have with the alpha. So if I go with 10%, अगर मेरे पास 10% है, alpha अगर मेरा, if alpha is 0.1, so इट गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है। मतलब 10% के कॉन्फिडेंस में आपको क्या मिल रहा है कि नहीं, ये गलत है। मतलब जो 40% आपने जो मुझे हाइपोथेसिस दिया है, 40% का जो हाइपोथेसिस है, वो 10% में रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं वही मैं 5% में आ जाऊं,
तो ये एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि ये 0.05 से थोड़ा बड़ा है ना, ये 0.05 समथिंग है ना इसमें, सो यू कैन नॉट एक्चुअली गो विद दिस, ओके। तो ये रिजेक्ट नहीं हो रहा है, 5% में रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ओके ओके, ये 5% में भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, सो लेट्स गो विद 1%। अभी अगर अल्फा मेरा 1% है, 1% मतलब कितना है, 0.01, ओके, सो इट इज ओवर हियर इन द 10%, ओके। पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, ओके, यहां वो रिजेक्ट हो रहा है, यहां वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ये पी वैल्यू से बड़ा है ना, 0.1 में रिजेक्ट हो रहा है, यहां भी रिजेक्ट हो रहा है, एक्चुअली ये 0. समथिंग लिख देता हूं, थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा है, ओके, सो दिस इज बिगर देन दिस, डू एग्री विद दिस, पी वैल्यू इज लेस देन, आई विल मेंशन इट ओवर हियर, सिंस अल्फा ऑफ ये कितना है, 10% है ना, 10% is bigger than p value, okay, तो ये rejected, क्यों, क्योंकि मुझे ये करना है ना, ये formula देखो आप, p value should be less than alpha, reject करने के लिए, if you have to reject the null hypothesis, मुझे ये null hypothesis को reject करना है, so what I have to do is, ये reject हो गया, p value is less than, this p value is less than this 0.1, I am talking about the small t score p value, हाँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, capital T score की नहीं बात कर रहा हूँ, I am talking about small t score, because we are dealing with the alpha based t score, okay, so it is getting rejected over here, 0.1 में, okay, now at alpha, at 5% percent significance level, मतलब 95% confidence में, क्या मैं उसको reject कर पा रहा हूँ, no, I am not able to reject, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इससे, ओके, सो इट इज पी वैल्यू इज बिगर, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मतलब 5% चांस है कि 40% वाला जो उसने हाइपोथेसिस दिया है एक्सेप्ट कर लो, अभी अल्फा एट 1% देखो, अल्फा एट 1% देखो, ये भी पी वैल्यू से छोटा है, सो आई कैन नॉट रिजेक्ट, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा, so at 5% confidence you have to accept it, 1% confidence to accept कर सकते हो, लेकिन 10% है तो आपको reject करना पड़ेगा, okay, so test at significance, comment on this decision with the appropriate statistics, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1% में value change होता है, so you can go with the this table and you can go with this 1% significance. So now if you see 1% में ये बोल रहा था p value 0.05 which is see the same value it is showing me, okay, 0.05 ही दिखा रहा है, so ultimately it has to accept it, okay, so 1% में हमें accept ही करना पड़ेगा, now let us check the same for the capital T score, capital T score क्या है, the capital T score that we have came into the conclusion, okay, हमने जो खुद से calculate किया है error वगैरह निकाल करके the capital T score, उससे हम एक बार चेक करके देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 0.609 डालता हूं, सो इट इज शोइंग 0.557582, तो स्टिल इट इज गेटिंग रिजेक्टेड फॉर 1%, इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड की रिजेक्टेड, इट इज गेटिंग रिजेक्टेड अगेन फॉर 5%, लेट अस सी फॉर 10%, इफ इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड, so even in 10% the capital T score is getting rejected, but let us check with the small T score, small T score hamara kitna tha, 2.262, so we have to accept it, ye dekho blue color mein, we have to accept it, since the p value is we have to reject it, matlab ye blue value matlab ye hai ki p bada hai, okay, so now p is greater hai, to hame 1% ko accept karna hai, 1% ko accept karna hai, isko reject karna hai, matlab p value isme bada hai, okay, so the p value is 0.050013, ye blue mein aa gaya matlab p value is greater,
इफ आई डू द सेम फॉर 0.01 और मैं इसको कैलकुलेट दबाता हूं, सो इट इज शोइंग रेड, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. आर यू गेटिंग इट? इट इज नॉट सिग्निफिकेंट मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ओके अगर मैं 5% में जाके देखता हूं तो सेम मुझे उसी तरीके से वैल्यू मिल रहा है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. बट इट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर 10%. सिग्निफिकेंट आ रहा है 10% में, आई मीन सॉरी 1% की क्लिक किया है, 10% ही था. ओके सो इट इज शोइंग सिग्निफिकेंट फॉर 10% राइट. मतलब मैं 10% में इसको रिजेक्ट कर सकता हूं, 1% में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 5% में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतने चांसेस हैं. ओके आर यू गेटिंग द पॉइंट? उतने चांसेस हैं, देर आर दैट मच चांसेस आर देयर टू एक्सेप्ट इट. क्योंकि अगर ये मुझे आकर के बोलता है 40%, अगर ये सेम काइंड ऑफ वैल्यू हमें अगर डेटा साइंटिस्ट वाले में मिलता था तो हम क्या करते थे, ये दोस्त का जो स्टेटमेंट है $113,000 एवरेज सैलरी है डेटा साइंटिस्ट का, तो अगर ये रिजल्ट हमें यहां मिलता था सेम काइंड ऑफ वैल्यू, ये रिजल्ट हमें यहां मिलता था, तो एट 5% मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. तो इसका जो एसम्पशन है, ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, 5% ये चांस है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 1% ये चांस है कि हम उसको एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, मतलब 5% तक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, 5% के ऊपर जो भी जाएगा वो हम रिजेक्ट करते जाएंगे. ओके सो 10% में हम उसको रिजेक्ट करेंगे, 15 में उसको रिजेक्ट करेंगे, 20 में तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा, तो 10% में तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. सो मैक्सिमम चांस उसके पास 9.9% है. सो अल्टीमेटली इट इज नॉट प्रैक्टिकल. व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल? क्योंकि आप लॉजिकली देखो कि मतलब एक मूवी प्रोडक्शन के कंपनी की वजह से यूएस का जीडीपी ग्रोथ हो सकता है. मींस मतलब यूएस का जो एक प्रोडक्शन कंपनी है उसमें और यूएस का जो जीडीपी है दोनों में मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है. मतलब अगर विन डीजल वाले जो मूवीज प्रोडक्शन है अगर वो ज्यादा मूवीज बनाएंगे तो मतलब यूएस का जीडीपी बढ़ जाएगा. सच ए इम्प्रैक्टिकल डेटा. मतलब एक बस एक मूवी का एक प्रोडक्शन वाले ने मतलब पूरा जीडीपी चेंज करता है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल. एंड हाउ दिस यूएस जीडीपी एंड यूके जीडीपी इज रिलेटेड, ये तो इम्पॉसिबल है ना. कि मतलब अगर यूएस का जीडीपी बढ़ रहा है तो यूके का भी जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है. लाइक इवन इन दिस कोरोना ऐसा हम बोल ही नहीं सकते ना कि अगर इंडिया का जीडीपी घट रहा है तो और भी सारे कंट्रीज का उसी रेट से घट रहा है या उसी प्रोपोर्शनैलिटी से घट रहा है जीडीपी, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते. सो अल्टीमेटली दिस डेटा इज इम्प्रैक्टिकल. एंड व्हाई इट इज इम्प्रैक्टिकल? नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट इज इम्प्रैक्टिकल. सो इट केम ट्रू दैट यूएस जीडीपी ग्रोथ इज रिलेटेड टू यूके जीडीपी ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू विन डीजल मूवीज. इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बट द फैक्ट इज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ यूएस इज कोइंसिडेंटली रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ ऑफ यूके. उस टाइम पे उस ईयर में गलती से ऐसा कोरिलेशन आ गया था कि 2010 से 15 के बीच में दोनों का जीडीपी ग्रोथ आर पार चल रहा था. ओके सो इफ यू सी ये जितना इंक्रीज जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से उसके आसपास के रेट से ये इंक्रीज होगा. अगर ये डिक्रीज होता था तो मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर ऑफ कोरिलेशन वो उतना डिक्रीज होता था. ओके सो बट द फैक्ट ओवर हियर इज कि ये यूएस और यूके का जीडीपी जो है वो एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं. ये लकीली हमें बस ये एक टाइम पे देखने मिला है कि ये सच में कोरिलेटेड है. ओके ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हमने देखा है कि गलती से उसी टाइम पे कोरिलेटेड है. रेस्ट ऑल इट इज नॉट एट ऑल कोरिलेटेड. ओके कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया. ओके सो नाउ द कंक्लूजन इज कोरिलेशन डजंट इंप्लाई कॉजेशन. आप ये कोरिलेशन लेकर के आप ऐसा कॉजेशन बोल ही नहीं सकते कि यूएस की वजह से यूके का प्रॉफिट हो रहा है, यूके इज द कॉज फॉर यूएस प्रॉफिट, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते. Okay, so that is what the main criteria of this regression analysis is. Okay, so I'll go with the next slide. Now we'll go with what is linear regression. Linear regression is a linear approximation of a causal relationship between two or more variables. So abhi uska formula dekhte hain. Matlab before that we'll go for the process. Get sample data. Hum pehle sample data lete hain. Then hum ek design karte hain. Design the model that works for the sample. हम एक model design करते हैं कि वो sample के लिए काम करे. Then we go with the predictions for the whole population. कि मतलब अभी ऐसा है value तो मैं whole population के लिए मैं कैसे predict करूँ? Okay, so that is how it works. So ये अगर मैं बताऊँ आपको, so समझो कि ये screen कट गया क्या यहाँ? Okay, so मैंने थोड़ा ज़्यादा नीचे ले लिया शायद. Okay, so dependent. One second, I'll move this. Whatever is there, yeah.
Dependent is predicted, that is y. Independent predictors, that is x1, x2, x3, a. Y is function of these independent variables, okay? So the dependent variable y is a function of independent variables x1 to xk. y is k, is ka function. So see, simple linear regression model, kya hota actually, y equals to b0 plus b1, beta0 plus beta1, x1 plus epsilon. So what is beta0, beta1, x1? Before that, we'll just go with this. इसमें डिपेंडेंट फैक्टर ये है, ये डिपेंडेंट है, ओके, यूजिंग द सेम कलर आई गेस, ओके, ये डिपेंडेंट है, ओके, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. सो यहां मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अगली स्लाइड में, ओके. सो नाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल, समझो कि ये एजुकेशन है, कि आपने अगर इतने साल पढ़ाई की तो आपका ऐसा इनकम होगा. मैंने एजुकेशन मेंशन नहीं किया है. सो ईच एजुकेशन इज इंडिपेंडेंट, ओके, इट्स अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है. अभी अगर आप आर्ट्स कॉमर्स लेते हो तो उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा. मे बी आपने बहुत ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड किया है. फाइनेंस रिलेटेड में अगर आपने स्पेंड किया तो उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा. सो इफ दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज ट्रू, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वील बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग दैट एजुकेशन हैज सम रिलेशन विद द इनकम. अगर मैंने ऐसे आपको बोला कि एजुकेशन और इनकम से कोई रिलेशन है, सो वी विल बी पुटिंग आउट दिस फॉर्मूला. तो ये जो x1 है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एजुकेशन हो गया. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इनकम हो गया. लेकिन वो जो डिपेंडेंट है, वो और भी सारे चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं. जैसे कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट चेंज ही नहीं कर सकता. अगर ये जीरो हो गया और ये एरर भी जीरो हो गया, कि अगर आपने पढ़ा ही नहीं किया और एरर भी कोई जीरो है, तो फिर आपको बस एक कॉन्स्टेंट वाला मिलेगा. कॉन्स्टेंट माइट बी द मिनिमम पे, ओके, आपको मिनिमम पे वेज मिलता जाएगा. So quantify the effect of education on income. So this will be quantify. मतलब आपके education, अभी समझो अगर आपने तीन साल extra पढ़ाई किया है, so आपका $10,000 raise हो गया, ऐसा हो सकता है. या फिर अगर आपने पांच साल पढ़ाई किया, तो आपका $15,000 ऐसे raise हो गया. Just an example कि मतलब ये एक multiplication factor है. Beta one will be the multiplication factor. Okay. So that is the main. That is the main point of this. Okay. So I'll be giving you the problems. We'll be solving this problem on linear regression model. But I feel that now we should go with the programming part. मुझे ऐसा लगता है कि हमें programming part शुरू कर देना चाहिए कल से. And we'll be slightly touching this regression model. जहाँ जहाँ हमें use होता है, वहाँ वहाँ मैं PPT refer करता हूँ और Excel sheet refer करता हूँ. Will that be fine? Tomorrow we'll be starting programming. Okay. So I have given the R installation guide. Perfect. We'll be going with R tomorrow. And please try to arrange a computer if you don't have. Try to arrange a laptop if you don't have. Get it from your friends or from your parents. Just for the time, for just practicing. Because programming needs a lot of practice. Okay.